ठीक है सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों ने कल के लेक्चर में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ा था और आप लोगों ने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ा था कल, है ना। बाएं हाथ का नियम पढ़ा था और आप लोग को शायद बेसिक मालूम पड़ गया होगा चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। जब किसी विद्युत सुचालक में, सुचालक क्या होता है, हर वो मेटल का तार, धातु का तार जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम सुचालक कहते हैं। अगर मान लीजिए कि उस सुचालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसके आसपास कोई दूसरा अगर धातु का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो वो जो सुचालक है उसको आकर्षित करती है, यानी कि उस विद्युत तार के अंदर अपने चारों तरफ एक चुंबकीय प्रभाव का निर्माण होता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है उसके चारों तरफ। वो चाहे किसी भी शेप में बनाया गया हो, आपका जो सर्किट होता है, परिपथ होता है, किसी भी आकार में हो, चाहे कुंडली के आकार में हो या प्लेन एक रस्सी के आकार में हो, अगर उसे स्रोत से जोड़ा गया है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव दिखता है। और आपने फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी देखा था, तो दाएं हाथ के नियम में जो था मैं आपको बेसिकली बता रही हूँ, सर ने आपको बताया रहेगा कि इस प्रकार से शेप होता है ना। ये थ्री डायमेंशनल शेप आप कह सकते हो कि इधर भी 90 एंगल होता है, इधर भी, इन सबके बीच में, यानी कि किसी भी एंगल से आप देखोगे तो आपको 90 एंगल ही दिखेगा। तो इसको अगर हम इस कंडीशन में रखते हैं और मान लीजिए कि ये जो आपका लाइन है ये आपको क्या शो कर रहा है, ये आपको जो एक सर्किट शो कर रहा है, मेरी विद्युत तार है, इस तार में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये जो पार्ट है आपका ये इसके चारों तरफ क्या शो कर रहा है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है ना। यानी क्या हो रहा है, इसके चारों तरफ चुंबकीय प्रभाव निर्माण हो रहा है और जो ये पार्ट है आपका इस तार के ऊपर एक लंबवत बल क्रिएट करता है, यानी इसके ऊपर अब प्रेशर क्रिएट होगा जिसके कारण इस तार के अंदर भी विचलन हो सकता है ना। इसके आसपास भी अगर कोई मतलब तार रहेगा तो उसके अंदर भी करंट का प्रभाव दिखाई देता है। तो मैं आपको जो आज का टॉपिक है अपना वो है क्या, यहाँ पे फेराडे का नियम और चुंबकीय प्रवर्तन, है ना। विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन है, प्रवर्तन यानी क्या होता है, प्रेरणा। कल हम आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि तार के चारों तरफ अगर चुंबकीय प्रभाव है, यानी अगर करंट फ्लो हो रहा है तार में तो चारों तरफ चुंबकीय प्रभाव क्रिएट होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी तार को एक चुंबकीय प्रभाव के अंदर रखा जाए, है ना, यानी कोई तार है, सुचालक है, उसको हम चुंबकीय प्रभाव के अंदर अगर रखते हैं जहां पे चुंबकीय बल रेखाएं हैं पहले से, तो उस तार के अंदर भी अब विद्युत धारा का निर्माण होता है, यानी उसमें हम लोग करंट फ्लो देख सकते हैं। और वो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि उस तार के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उसमें एक यंत्र लगाया जाता है जिसको आप कह सकते हो कि छोटा सा एप्लीकेशन होता है, उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। जैसे कि वोल्ट मीटर होता है वोल्ट विभवांतर को मापने के लिए, एमीटर होता है करंट को मापने के लिए, उसी प्रकार जो गैल्वेनोमीटर होता है वो क्या मापता है, उसमें चुंबकीय प्रभाव के कारण सुचालक में कितनी विद्युत धारा का निर्माण हो रहा है उसको मापने के लिए गैल्वेनोमीटर होता है। तो मैं आपको छोटा सा यहाँ पे पहले एक वीडियो दिखाती हूँ, उसके माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आपको इस वीडियो में ध्यान से देखना है, फिर उसमें आपको एक एक पॉइंट में आपको बीच बीच में एक्सप्लेन करती रहूंगी कि किस प्रकार से किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा का निर्माण हो सकता है अगर मेटल को हम लोग रखते हैं तो, है ना। तो आप लोग उसको बहुत ध्यान से देखना क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आपका जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, वो भी आपको अच्छे से याद करना है, वो आपके एग्जाम में आता ही है ना। तो आपको उसके बाद जो चुंबकीय प्रवर्तन है वो क्या होता है वो भी करना है। देखते हैं, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन, या फिर इसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कह सकते हैं। दोस्तों, किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा कि किसी विद्युत सुचालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर
अगर सुचालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तथा विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो तो उस सुचालक पर बल क्रियाशील होता है तथा विद्युत चालक में गति निर्मित होती है। तो अभी आप लोगों ने जब स्टार्टिंग में वीडियो देखा तो आपको क्या दिखाई दिया वहां पे कि एक विद्युत सर्किट है यानी कि एक विद्युत परिपथ है और उसके आसपास एक छड़ चुंबक है जो कि विचलन कर रहा है। यहाँ पे आपको जानना बहुत जरूरी है कि अगर छड़ चुंबक केवल रखा हुआ है और अगर वो स्थिर अवस्था में है तो दूसरे तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसके लिए आवश्यक क्या है कि जो छड़ चुंबक है या फिर तार है उन दोनों में से कोई एक वहां पे मूवमेंट करते हुए रहना चाहिए, मतलब उसको जगह अपना परिवर्तित करते रहना चाहिए। अगर दोनों स्थिर है तो विद्युत धारा का निर्माण वहां पे नहीं होगा। उसमें से या तो चुंबक को या तो फिर उस सर्किट को अगल बगल घूमना यानी मूवमेंट करते रहना, गतिशील रहना बहुत ही आवश्यक है। तब जाके क्या होगा कि उसके अंदर विद्युत धारा का निर्माण होगा। एक बार आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण यहाँ पे कहते हैं। भाषा आपको दी गई है कि किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, यानी चालक यहाँ पे क्या है, आप ये सर्किट देख रहे हो, ये सर्किट पूरा क्या एक चालक है ना, ये धातु का बना हुआ तार है और इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, यानी क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड है। एक फील्ड कैसे निर्माण हुआ इस चुंबक को इसके पास रखने के कारण। जब इस चुंबक को इस तार के पास रखते हैं तो उसके चारों तरफ यहाँ पे क्या निर्माण हो रहा है, अभी एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो रहा है और ये स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, ये मूवमेंट कर रहा है और इसी कारण से क्या होगा कि इसके अंदर विद्युत धारा का निर्माण होता है। इसे आप एक फिर से देख सकते हैं, एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। हमने पिछले वीडियो में देखा कि किसी विद्युत सुचालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अगर सुचालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तथा विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो तो उस सुचालक पर बल क्रियाशील होता है। जो ये तार है आपका, ये जो एक सुचालक है, इसमें करंट जब फ्लो होता है और उस टाइम नॉर्थ से साउथ है ना, यानी उत्तर से दक्षिण ध्रुव की तरफ जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो भी साथ में काम कर रही होती हैं। अब इस तार और इस चुंबकीय बल रेखाओं से क्या बनता है, यहाँ पे देखिए एक 90 एंगल बनेगा, यानी वो अपने लंबवत है। ये चुंबकीय बल रेखाएं और ये आपका सर्किट यानी आपका जो तार है, सुचालक है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, 90 एंगल पे लंबवत है। और फिर क्या होगा कि नीचे की तरफ, यहाँ पे आप देख रहे हो अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, यहाँ पे नीचे की तरफ जो होता है वो बल क्रियाशील होता है, जिसके कारण से इस तार में क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ये फिर मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। ये तार ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा ना, नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। अभी हम लोग ये और अच्छे से देखते हैं वीडियो में। तथा विद्युत चालक में गति निर्मित होती है। उसी प्रकार यदि कोई विद्युत चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है या स्थिर विद्युत चालक के परितः चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है तो भी विद्युत चालक में विद्युत धारा का निर्माण होता है। इस सिद्धांत की खोज माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों, चुंबक द्वारा सुचालक में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसका मापन गैल्वेनोमीटर नामक उपकरण से किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। हमारे जो है आपके अभी सिलेबस से निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहती हूँ क्योंकि ये आगे यूजफुल है। हम लोग जब भी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमको इसका कार्य कैसे होता है ये हमको पता हो। तो आप इसको एक मिनट में देख सकते हैं। द्वारा अध्ययन किए गए विद्युत चलित्र नामक यंत्र का जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत पर आधारित एक संवेदनशील उपकरण है गैल्वेनोमीटर। इसकी सहायता से कुछ विद्युत मापन किए जा सकते हैं। चुंबक के ध्रुवों के बीच रहने वाली कुंडली को इस प्रकार लगाया जाता है कि उसे गैल्वेनोमीटर की तस्तरी पर स्थित सुई जोड़ी जाए। जब अत्यंत कम विद्युत धारा कुंडली में प्रवाहित होगी तब कुंडली का घूर्णन होगा और उसका घूर्णन विद्युत धारा के अनुपात में क्या बोला गया कि जो सुई का विचलन है यानी जो घूर्णन है वो विद्युत धारा के अनुपात में होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कम मात्रा में विद्युत धारा निर्माण हो रहा है तो चुंबकीय जो यहाँ पे सुई है, मतलब जो आपका ये गैल्वेनोमीटर है, इसकी सुई में विचलन भी कम होता है।
और अगर विद्युत धारा अधिक निर्माण हो रही है सर्किट के अंदर परिपथ में, तो फिर यहाँ पे विचलन भी बहुत ही अधिक होता है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पे ये सुई जो है दोनों तरफ विचलन कर सकती है। शून्य कहाँ पे होता है? बीच में, यहाँ पे शून्य होता है। और दिशा के अनुसार, मतलब विद्युत धारा, जिसकी हमने मैग्नेट की बात की, मैग्नेट में क्या होता है? नॉर्थ एंड साउथ होता है ना, उत्तर दक्षिण ध्रुव होता है। तो अगर हम सर्किट के पास कौन सा मैग्नेट का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, यानी कौन से साइड का इफेक्ट है, नॉर्थ का इफेक्ट है कि साउथ का इफेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसी के अनुसार क्या होता है कि सुई दाएं या बाएं घूमती है। आगे देखते हैं। होगा, अर्थात अधिक प्रभावशाली विद्युत धारा प्रवाहित होने पर गैल्वेनोमीटर में विचलन अधिक होता है, तथा विद्युत धारा कम प्रवाहित होने पर विचलन भी कम होता है। वोल्ट मीटर और अमीटर भी इसी सिद्धांत पर कार्य आपको करते पता हैं। ही होगा कि वोल्ट मीटर और एमीटर कहाँ पे यूज करते हैं। हर सर्किट में एक वोल्ट मीटर होता है, एक एमीटर होता है। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है कि दो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर क्रिएट होता है, निर्माण होता है, उसको मापने का काम करता है वोल्ट मीटर। और एम्पियर, एमीटर का काम क्या होता है कि कितने एम्पियर की विद्युत धारा किसी परिपथ में प्रवाहित हो रही है, उसको मापने का काम एम्पियर एमीटर करता है। गैल्वेनोमीटर की तस्तरी पर शून्य विद्युत धारा मध्य में दर्शाई जाती है। विद्युत धारा की दिशा के अनुसार सुई शून्य के दोनों ओर विक्षेपित होती है। तो आइए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक रखने पर उसमें विद्युत धारा का निर्माण कैसे होता है, यह एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। सर्वप्रथम आकृति में दर्शाए अनुसार गैल्वेनोमीटर संयोजित करके परिपथ पूर्ण करते हैं। तांबे की तार के समीप नीचे छड़ चुंबक का उत्तर या दक्षिण ध्रुव रहे, इस प्रकार से छड़ चुंबक को खड़ा करते हैं। अब यदि तार को ए बी की ओर हिलाते हुए रखें तो गैल्वेनोमीटर की सुई यहाँ पे विक्षेपित आप लोगों ने होती क्या है। देखा अभी कि जो ए और बी दिया गया है वो दिया है एरिया, कि कितने रेंज में जो हमारा ये तार है, तांबे का तार है, वो घूम रहा है, वो हिल रहा है। हम लोग उसको जैसे कि ऊपर हम लोग ने कोई तार लगा दिया, उसको हमने हिला दिया, तो आगे पीछे विचलन करता है ना, पेंडुलम की तरह विचलन करता है। तो उसी प्रकार जब तार हिलता रहेगा, ये तार जब मूवमेंट करता रहेगा, गतिशील रहेगा, तो ही जाके क्या होगा कि इस मैग्नेट का कोई रखने का यहाँ पे असर होगा और इस पूरे सर्किट के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ये हमको कैसे मालूम पड़ेगा? जो हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है उसके कारण। अब देखिए, या तो ये तार हिलता रहे या तो फिर ये मैग्नेट हिलता रहे, दोनों में से किसी न किसी को गतिशील रहना है, तब जाके क्या होगा कि हमको यहाँ पे विचलन दिखाई देगा। और हम लोग कह सकते हैं कि इस धातु के सुचालक में क्या हो रहा है कि विद्युत धारा का निर्माण हो रहा है, आवेशों का प्रवाह हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं अभी हम लोग उसमें। यही है फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब अगर तार को स्थिर रखकर चुंबक को हिलाया जाए तो भी गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेपण जैसे कि होता मैंने है। कहा था कि पहले अगर तार को हिलाया जाए और मैग्नेट यहाँ पे स्थिर हो, यानी चुंबक को स्थिर रखना है और तार को हिलाना है, तो भी क्या होगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जो आवेश है उसका निर्माण होगा विद्युत धारा में, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, फिर इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। आइए देखते हैं अपना दूसरा प्रयोग। आकृति में दर्शाए अनुसार परिपथ पहले पूरा करेंगे। इस प्रयोग में यदि परिनालिका से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को कुंजी खुली रखकर शून्य किया तो उसी क्षण कुंडली हाँ, के यहाँ पे परिपथ देखिए के एक्सपेरिमेंट गैर में क्या है कि यहाँ पे दो सर्किट रखी गई है ना। एक सर्किट में यहाँ पे प्लग कुंजी लगाई गई है, बैटरी लगाई गई है, और पूरा एक कंप्लीट सर्किट है, यानी इसके अंदर करंट फ्लो हो सकता है। इसमें करंट फ्लो होने के लिए कौन है? यहाँ पर बैटरी। बैटरी इसको क्या कर रहा है? स्रोत दे रहा है, यानी कि एक ऊर्जा का स्रोत है बैटरी, जो कि इसमें करंट फ्लो होने के लिए उत्तरदायी है। यानी इसमें करंट फ्लो होगा तो किसके कारण होगा? वो बैटरी के कारण होगा। लेकिन यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, इस दूसरी कुंडली में देख रहे हो आप, यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें करंट का निर्माण होता है ना। वो कैसे मालूम पड़ेगा हमको किसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है? उसके लिए यहाँ पे क्या लगाया गया है? गैल्वेनोमीटर, है ना। तो इसमें अब करंट कैसे फ्लो हो रहा है? इसके कारण। अगर इसको स्थिर रख दिया और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि कुंजी को बंद किया, यानी स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो क्या होगा? इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे विद्युत का निर्माण नहीं होगा।
इसलिए जरूरी यह है कि यहाँ पे करंट का फ्लो स्टार्ट रखा जाए, तब जाके इसमें विद्युत का निर्माण होगा। इसको आपको पता ही, आपको परिनालिका जो कि एक मैग्नेट का काम करती है, जैसे कि छड़ चुंबक काम करता है, ठीक उसी प्रकार ये परिनालिका यानी सर्किट जो है ये भी कार्य करती है। आगे देखते हैं हम लोग अभी। मीटर की सुई तुरंत विचलित होकर पुनः शून्य पर आती है। परिनालिका में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को पुनः शुरू करने पर गैल्वेनोमीटर की सुई दूसरी ओर जल्दी से विक्षेपित होकर पुनः शून्य हाँ, पर यहाँ आती पे है। ऐसा नहीं है कि गैल्वेनोमीटर में जो सुई है वो एक बार विक्षेपित हो गई तो उसी डायरेक्शन में रहने वाली है, नहीं। वो आपको खाली कर शो करेगा कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका इंडिकेशन कैसे होगा, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि जो सुई है ये तुरंत क्या होगी, अपना जगह चेंज करेगी, पोजिशन चेंज करेगी, डायरेक्शन चेंज करेगी। डायरेक्शन चेंज होने के बाद वो फिर से क्या होगा कि जीरो पे आ जाएगी, फिर से वो शून्य पे आ जाती है। तो हम लोग जब देखते हैं कि इसमें विचलन हो रहा है तो उसी से मालूम पड़ जाता है कि इस पूरे सर्किट के अंदर, इस तार की कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए आगे देखते हैं अभी। अब यदि विद्युत धारा प्रवाहित होते समय कुंडली को परिनालिका से दूर या परिनालिका के पास ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई हाँ, विक्षेपित यहाँ होती पे है। देखिए, जब करंट फ्लो हो रहा हो, यानी कि यहाँ पे हमने करंट चालू कर दिया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, अब क्या करना है हमको, इस सर्किट को, जो दूसरा सर्किट है हमारा जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसको आगे पीछे यहाँ पे मूव करना है, इसको हिलाना है, एक जगह स्थिर नहीं रखना है। अगर जब इसको मूव करते रहोगे आगे पीछे, तो भी आप ऑब्जर्व करोगे, आप ये देख पाओगे कि गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या हो रहा है, विक्षेपण हो रहा है सुई का। अगर आप इसको दूर लेके जाते हो तो भी इसमें करंट फ्लो होता है, और अगर आपको ये दिखाई देगा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में, अगर आप इसको परिनालिका के बहुत नजदीक लेके आते हो तो भी डिफ्लेक्शन यहाँ पे आपको शो होता है। अगर आप इसको स्थिर रख दें, मतलब आपको अब ये नहीं हिलाना, आपको ये स्थिर रखना है, और इसको आगे पीछे कर रहे हैं आप, है ना, यानी अब इसको मूवमेंट करा रहे हैं, तो भी सेम रिजल्ट आएगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, सुई का विक्षेपण चालू हो जाएगा। लेकिन सुई विक्षेपित होके चाहे वो दाएं जाए या बाएं जाए, फिर से वो जीरो पे आ जाती है। चलिए आगे देखते हैं अभी। अर्थात कुंडली में विद्युत धारा का निर्माण होता है। परिनालिका स्थिर रखकर परिनालिका की विद्युत धारा परिवर्तित करने पर भी कुंडली में विद्युत धारा निर्मित होती है। इस प्रकार हमने इस प्रयोग में देखा कि परिनालिका की विद्युत धारा परिवर्तित करके कुंडली में विद्युत धारा निर्मित होती है, या फिर कुंडली के पास परिनालिका को सरकाने पर कुंडली में विद्युत धारा का निर्माण होता है। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया दोस्त होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। प्रेरण का मतलब क्या होता है, किसी से प्रेरणा लेना। तो यहाँ पे जो दूसरा कुंडल है, यानी ये जो आपका ये सर्किट है छोटा वाला, इसमें करंट फ्लो होने के लिए इसको कौन प्रेरित कर रहा है, या तो यहाँ पे ये जो करंट दूसरा सर्किट रखा हुआ है ये, या तो जो छड़ चुंबक रखा हुआ था, है ना, यानी कि अगर आपको छड़ चुंबक यहाँ पे रखा है तो भी, और अगर आपने सर्किट रखा हुआ है तो भी, इसके कारण से क्या होगा कि यहाँ पर अपने आप विद्युत धारा का निर्माण होता है। क्यों होता है, इसमें जो आवेश होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तार के अंदर, सुचालक में आपको पता ही होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि किसी सोर्स को जोड़ने पे क्या हो जाते हैं कि ये गतिशील हो जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो यहाँ पे तो हमने कोई सोर्स नहीं जोड़ा, लेकिन जब यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई देता है, चुंबकीय प्रभाव उसके आसपास होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको एक रास्ता मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिलता है मूव करने का, और इलेक्ट्रॉन के मूव्स करने के कारण, यानी उनके आपस में एक डायरेक्शन में घूमने के कारण क्या होता है कि इसके अंदर फिर विद्युत धारा का निर्माण हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा फैराडे का विद्युत प्रेरण का नियम। परिनालिका में विद्युत धारा शुरू करते ही या बंद करते ही कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। विद्युत धारा कम अधिक करने पर भी ऐसा ही प्रेरण हमको दिखाई देता है। परिनालिका को कुंडली के सामने से बाजू में सरकाते समय भी कुंडली में प्रेरण के कारण विद्युत धारा निर्मित होती है। उपर्युक्त प्रयोग से स्पष्ट होता है कि कुंडली में से जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या परिवर्तित होने पर कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इसे ही फैराडे के प्रेरण का नियम कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे
हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की चुंबकीय बल जरूरत है। रेखाओं की यहाँ पे संख्या देखिए, आपको डायग्राम से मालूम पड़ जाएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पूरा एक सर्किट है, और इस सर्किट के अंदर क्या है कि यहाँ पे डबल कुंडली है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो एक कुंडली है उसकी संख्या कम है, यहाँ पे कुंडली की संख्या कैसी हो गई है, ज्यादा हो गई है, और यहाँ पे और भी ज्यादा हो गई है। और साथ में यहाँ पे आपको रिजल्ट भी दिया गया है कि यहाँ पे लिखा है स्मॉल वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज और लार्ज वोल्टेज। तो इनका आपस में क्या रिलेशन है, आपको मालूम पड़ गया होगा कि जब मैग्नेट के चारों तरफ यहाँ पे देखिए जितनी कुंडली की संख्या यानी कुंतल की संख्या जितनी अधिक है, उतना अधिक यहाँ पे विद्युत धारा का निर्माण होता है, और उतना अधिक ही यहाँ पे मैग्नेट का इफेक्ट आपको दिखाई देगा। फिर यहाँ पे कुंडली अगर कम है, एक या दो है, तो यहाँ पे स्मॉल वोल्टेज यानी कि कम विभवांतर वाला विद्युत धारा निर्माण हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे हमने फेरों की संख्या बढ़ा दी। फेरों की संख्या बढ़ाने पे क्या होता है कि यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हो कि मीडियम वोल्टेज यानी कि वोल्टेज यहाँ से अधिक बढ़ गया है, और अधिक और बढ़ाने पर और फेरों की संख्या बढ़ा दी तो यहाँ पे क्या होगा कि और अधिक विचलन होगा। तो आप इसी को कह सकते हो कि फेराडे का नियम। इन्होंने अपना जो फेराडे थे, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज किया था। परिवर्तित होने पर कुंडली में मैं आपको घात दिखाता हूँ, का यहाँ पे ये नियम देखिए, हैं। ये फेराडे का एक्सपेरिमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट था। तो उन्होंने क्या किया था कि इस प्रकार से आप देख रहे हो कि दो सर्किट है यहाँ पर, यहाँ पे दो तार का पूरा एक सर्किट बनाया गया है, एक पूरा कुंतल बनाया गया है। इसको जोड़ा किससे गया है यहाँ पर, यहाँ पे सोर्स से जोड़ा गया, यानी कि जिससे कि बैटरी से जोड़ा गया, जिसके कारण इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो। और दूसरा है जो यहाँ पे कुंतल बनाया गया है, इसको जोड़ा गया है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से, यानी कि जो कि आपको ये इंडिकेट करेगा कि इस तार के अंदर अब करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब तक इसको आप इसके अंदर स्थिर रखोगे, यानी आपने इसको क्या किया, इसके अंदर स्थिर रख दिया, तो यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन आपको दिखाई नहीं देगा इसके अंदर, यानी करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जब आप इसको आगे पीछे इसको मूव करते हो, इसके आगे पीछे आप मूव करते हो, अंदर बाहर करते हो, तो क्या होगा कि इसके अंदर करंट फ्लो होता है, और यहाँ पे इसके अंदर आप गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन यानी कि विचलन सुई का देख पाते हो। चलिए आगे देखते हैं, फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं अगला हाथ का टॉपिक है नियम। हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार रखिए कि वे परस्पर लंब हों। इस स्थिति में यदि अंगूठा विद्युत चालक के गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाए, तो मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है। इस नियम को फ्लेमिंग के दाएं हाथ का इस नियम चीज को आप कहते ना हैं। अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि आपको डायग्राम बनाने के लिए भी कहा जाता है कि आप डायग्राम के साथ ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या बाएं हाथ का नियम लिखिए, तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना आता है। अगर आप डायग्राम ठीक से नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो, तो आपको कम से कम डायरेक्शन ये बराबर शो करने आना चाहिए। ये डायरेक्शन दिया गया है ना, विद्युत चालक की गति की दिशा, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित विद्युत धारा, है ना। तो इस प्रकार का आपको ये शो करने आना चाहिए, तब जाके आपको वो फुल मार्क्स आपके लॉ के ऊपर यानी कि नियम के ऊपर मिलते हैं। दोस्तों, जब विद्युत चालक की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की लंब दिशा में होगी, तब विद्युत चालक में विद्युत धारा अधिक से अधिक प्रवाहित अब होती देखिए, है। अगर आपने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, यानी इसमें से इन तीनों में से किसी एक का भी एंगल चेंज होता है ना, तो उसका इफेक्ट विद्युत धारा के ऊपर पड़ता है। वो जितना अमाउंट में विद्युत धारा बननी चाहिए, निर्माण होनी चाहिए, उतना अधिक विद्युत धारा नहीं बन पाता। फिर आपको अगर सबसे अधिक अधिक मात्रा में करंट फ्लो चाहिए यहाँ पर अपने सर्किट के अंदर, तो आपको इस प्रकार से ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा विद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित प्रयोग हमने देखा। उसमें निर्मित होने वाली विद्युत धारा का परिमाण अल्प होता है, परंतु इसी सिद्धांत का उपयोग मानव के लिए बड़ी विद्युत धारा निर्मित करने हेतु किया जाता है। इसके लिए यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग विद्युत चालक कुंडली को धुरी के परितः चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए किया जाता है तथा आपने उसके कल द्वारा पढ़ा होगा विद्युत विद्युत मोटर के बारे में। तो विद्युत मोटर क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है, यानी जो आपकी विद्युत धारा होती है, उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। अब यहाँ पे क्या है, बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे क्या है कि
जो यांत्रिक ऊर्जा है उसके कारण से विद्युत का निर्माण हो रहा है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो विद्युत मोटर के अंदर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इस्तेमाल करते हैं और विद्युत जनरेटर यानी जनित्र के अंदर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इस्तेमाल करते हैं। और ये डिफरेंस लिखने के लिए आता है कि विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर में क्या अंतर है। ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है, 2 नंबर के लिए या फिर 3 नंबर के लिए आ सकता है। इसको भी आप मार्क कर लीजिए कि ये आ सकता है और हम लोग इसको देखते हैं वीडियो कैसे काम करता है जनरेटर। की जाती है। सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत जनित्र किसे कहते हैं। विद्युत जनित्र एक प्रकार का यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्तित विद्युत धारा में परिवर्तित हाँ, करता है। प्रत्यावर्तित विद्युत धारा क्या होती है? प्रत्यावर्तित यानी अल्टरनेट, है ना। एक बार क्या होगा, हाफ सर्किट घूमता है ये। अगर लेफ्ट साइड में आधा घूम रहा है तो फिर राइट साइड में भी आधा घूमता है, लेकिन ये खाली विद्युत धारा का दिशा परिवर्तित करता है ना। इसमें होता है एक कम्यूटेटर जो कि क्या, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, दिक परिवर्तक कहते हैं, जिसके कारण से जो बहने वाली विद्युत धारा होती है, जो इस तार के अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर, उसका दिशा चेंज करती, विद्युत धारा का दिशा चेंज करती है। और हाँ, अगर आपको विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर इन दोनों के डायग्राम में कंफ्यूजन होता है तो उसको पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है। जब आप विद्युत मोटर का डायग्राम देखते हो तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो गैल्वेनोमीटर है ना, यहाँ पे जो जी लिखा हुआ गैल्वेनोमीटर है, इसके जगह पे आपको क्या दिखाई देगा? वहां पे आपको दिखाई देगा बैटरी, वोल्ट मीटर और अमीटर दिखाई देगा। लेकिन अगर जनरेटर है तो वहां पे ये सब चीजें नहीं होती, वहां पे क्या होगा, गैल्वेनोमीटर होता है खाली। तो आपको डायग्राम में इन चीजों को पहले नोटिस करना है। मान लीजिए कि आपको डायग्राम दे दिया गया बोर्ड एग्जाम में और आपको बोला गया कि आकृति को पहचान कर आकृति के बारे में सिद्धांत लिखिए, उसके यूज लिखिए, उसके मतलब उपयोग लिखिए, तो आपको सबसे पहले क्या करने आना चाहिए कि पहचानने आना चाहिए कि विद्युत जनरेटर है या विद्युत मोटर है। अगर यहाँ बैटरी है, वोल्ट मीटर है, अमीटर है, तो वो मोटर है। अगर खाली यहाँ पे जी लिखा हुआ है मतलब गैल्वेनोमीटर है तो वो जनरेटर है। देखते हैं कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्यावर्तित विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब एक कुंडली समानांतर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुंडली से गुजरती हैं और विद्युत प्रेरित करती हैं और इसमें विद्युत स्थापित करती हैं। आकृति में धुरी के परितः घूमने वाली तार की कुंडली ABCD यहाँ पे देखिए, यहाँ दर्शाई पे गई आपको है। खाली एक सिंगल दिया गया है कि सिंगल सर्किट है यहाँ पर, मतलब आपको एक ही कुंडली दिखाई गई है यहाँ पर। एक्चुअली में जनरेटर में बहुत सारे ऐसे फेरे होते हैं, लेकिन आपको खाली समझाने के लिए यहाँ पे एक ही फेरा दिखाया गया है। असल में जो ओरिजिनल वाला होता है उसके अंदर बहुत सारे फेरे होते हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि करंट इसी फेरे में से होकर जाएगा। यहाँ पे जो करंट निर्माण होता है वो इनके इफेक्ट के कारण, चुंबक के इफेक्ट के कारण होता है। और उसके बाद वो जो करंट है वो इस तार में यहाँ से यानी इस सर्किट में फ्लो होते हुए यहाँ तक पहुंचता है। अगर इसके अंदर डिफ्लेक्शन शो हो रहा है यानी अगर इसमें विचलन शो हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, इसमें अभी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। उसे चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। इस कुंडली के दो सिरे दो वलयों R1 तथा R2 से कार्बन रस के माध्यम से संयोजित होते हैं। दोनों वलय भीतर से धुरी से जुड़े होते हैं, परंतु वलयों और धुरी के बीच विद्युत अवरोधक आवरण होता है। हाँ, धुरी यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने देखा कि यहाँ पे हाफ, अगर आपने मोटर का ध्यान दिया होगा तो मोटर में क्या था कि यहाँ पे अर्ध गोलक था, है ना, ऐसे आधे आधे गोले थे और वहां पे ब्रश की सहायता से यानी कि B1 B2 की सहायता से वो जुड़े हुए थे। लेकिन ये क्या है, जनरेटर है। यहाँ पे आपको कंप्लीट दो वाले यानी दो छल्ले दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही एक में B1 कनेक्टेड है और दूसरे में B2 कनेक्टेड है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस जो तांबे का ये छल्ला होता है, इस छल्ले के अंदर विद्युत अवरोधक एक लेयर लगा होता है, एक दूसरा सर्किट यानी दूसरा सा एक छल्ला लगा होता है वो कि विद्युत अवरोधक होता है। अगर ये विद्युत अवरोधक नहीं होगा तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये विद्युत अवरोधक नहीं है तो इस छल्ले में जो करंट फ्लो होता है, जो विद्युत धारा निर्माण होती है, वो इस लोहे का रॉड है, इसको बोलते हैं धुरी। अगर आपको याद होगा जो आप पंखे वगैरह का मोटर देखते हो तो उसमें यहाँ पे इस प्रकार धुरी लगी होती है ना, जनरेटर में भी उसी प्रकार से धुरी लगी होती है। इस धुरी के चारों तरफ ही ये जो कुंडली होती है, सर्किट होता है, ये घूमता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अवरोधक नहीं लगा हुआ है तो क्या होगा,
कि जो इसमें करंट निर्माण हो रहा है वो इसमें आ जाएगा, करंट इसमें आ, क्योंकि मेटल का बना हुआ है। अब ये करंट अगर इसमें आ गया तो पूरा जो हमारा जनरेटर होता है उसमें करंट फैल सकता है और दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए अंदर क्या होता है कि एक विद्युत अवरोधक लगा होता है, लेकिन बाहर जो ब्रशेस होते हैं ये मेटेलिक ब्रश होते हैं, कार्बन ब्रश होते हैं, और इसमें करंट फ्लो होता है, और उसी कारण से जो कनेक्टेड ये तार हैं इनमें करंट फ्लो होता है। को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जाता है, जिसके कारण कुंडली ABCD घूमने लगती है। स्थिर कार्बन ब्रशों B1 B2 के सिरे गैल्वेनोमीटर से संयोजित होते हैं, जिसके कारण परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समझ में आती है। धुरी घूमने पर भुजा AB ऊपर जाती है और CD नीचे आती है, अर्थात ABCD कुंडली घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमने लगती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार AB और CD भुजाओं में प्रेरण के द्वारा विद्युत धारा निर्मित होती है, वह A से B व C से D दिशा में जाती है। इस प्रकार A से B, B से C और C से D ऐसी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती यहाँ है। पे आपने देखा कि जब यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले क्या करना, करंट फ्लो करने के लिए इसमें करंट, क्योंकि बैटरी तो लगी नहीं है तो करंट फ्लो कैसे होगा, तो आपको पहले क्या करना पड़ता है कि इसको गतिशील करना होता है ना। गतिशील करने के लिए क्या करना पड़ता है कि बाहर एक लगा होता है हैंडल, जनरेटर के बाहर आपने देखा होगा कि हैंडल लगा होता है, और उससे आपको उसको पहले मूव करना पड़ता है, यानी खुद से जब आप उसको घुमाते हो तब जाके क्या होगा, ये सर्किट घूमना स्टार्ट होता है, और उसके बाद इन चुंबकीय क्षेत्रों के बीच में रह के क्या होता है, इसके चुंबक के इस इफेक्ट के कारण ये तार मूव करता है, यानी जो कुंडली है पूरी ये ऊपर की तरफ मूव करती है इस तरफ से, और इस तरफ अगर ये ऊपर मूव करेगा तो अभी ऑब्वियसली ये जो इस साइड है सीडी साइड ये नीचे जाएगा, उसके बाद ये कंटिन्यू यहाँ पे से सर्कल में घूमता रहता है। आगे के परिपथ में B2 किलोनोमीटर में से होकर B1 की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि ABCD जैसी एक फेरे वाली कुंडली के स्थान पर अनेक फेरों वाला कुंडली का उपयोग किया जाए तो अनेक गुना विद्युत धारा प्रवाह। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैसे हम लोगों ने खाली एक का स्टडी किया अभी तक, कि मतलब ए से करंट बी में गया, सी से डी में आया, और फिर ये करंट जब यहाँ तक पहुंचता है तो यहाँ से कार्बन ब्रश की सहायता से इस सर्किट के अंदर आता है, परिपथ में पहुंचता है। जब यहाँ पे करंट पहुंचता है तो हमको यहाँ पे डिफ्लेक्शन यानी विचलन दिखाई देता है, और अगर हमने यहाँ पे कुंडली की संख्या बढ़ा दी, मतलब फेरे हमने बढ़ा दिए है ना, करंट के जो हमने कहते हैं तार के जो फेरे होते हैं, आपने देखा होगा अगर मोटर जनरेटर आपने ओपन करके देखा होगा तो अंदर बहुत सारे तार की आपको कुंडली दिखाई दी होगी, तो कुंडली जितना अधिक बढ़ाएंगे उतनी अधिक यहाँ पे क्या होगी, चुंबक का प्रभाव प्रभावशाली होगा, और उतना अधिक करंट यहाँ पे निर्माण होगा, और उसके बाद उतना अधिक विचलन हमको यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के अंदर दिखाई देगा। होती है और बड़ी विद्युत धारा निर्मित होती है। अर्धघूर्णन के पश्चात भुजा AB भुजा CD के स्थान पर आ जाती है और भुजा CD यह भुजा AB के स्थान पर आती है। इस कारण प्रेरित विद्युत धारा D से C, C से B और B से A इस प्रकार हो जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब एक फेरा हो गया, हाफ फेरा, यानी कि पहले मान लीजिए कि आपका इस प्रकार से कुंडली रखी हुई थी, और आधे फेरे के बाद क्या हो गया कि उल्टा हो गया, तब यहाँ के जो तार थे ए बी, वो तार कहाँ पे आ गया, इस साइड में आ गया है ना। तो अभी क्या होगा कि होना क्या चाहिए कि ये जो तार है आपका ए बी था यहाँ पे, पहले यहाँ पे क्या था सी डी था, तो सी डी को पहले क्या हुआ कि मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण नीचे गया, और ए बी कहाँ पे गया था, ऊपर गया था है ना। तो अब यहाँ पे जब ए बी इस तरफ आ गया है तो अब ये कहाँ पे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और सी डी कहाँ पे है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र तो वही है ना, तो करंट आधा यहाँ पे फ्लो होगा। उसके बाद देखिए आगे, यहाँ पे हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन भुजा AB वलय के माध्यम से B1 ब्रश के संपर्क में रहती है और भुजा DC B2 ब्रश के संपर्क में रहती है। इस कारण बाह्य परिपथ में विद्युत धारा B1 से B2 की ओर अर्थात पहले के अर्धघूर्णन की तुलना में विपरीत दिशा में होती है। हाँ, यहाँ पे ध्यान दिया प्रत्येक आप लोगों ने कि पहले सर्किट में करंट कहाँ फ्लो हो रहा था, और देखिए B1 यहाँ पे भी कनेक्टेड था और यहाँ पे भी कनेक्टेड है, तो पहले करंट कहाँ से फ्लो हुआ था,
इस तरफ से फ्लो होते हुए यहाँ पे आया था, लेकिन अभी क्या हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया ना, क्या हो गया यहाँ पे, ए बी और सी डी ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया क्योंकि आधा सर्कल इसने घूम लिया है। तो अब क्या होगा, अब करंट यहाँ से आएगा, अब बी वन से आएगा कहाँ पे, बी टू की तरफ आएगा। तो हाफ सर्कल क्या होता है, करंट आधा हाफ सर्कल में अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है, पहले क्लॉकवाइज जाता है फिर बाद में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है खाली। लेकिन जो आपका ये सर्किट है, ये कुंडली है, ये कंटिन्यू एक ही दिशा में घूमती रहती है। और यहाँ पे अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि अगर ये करंट अलग अलग घूम रहा है, हाफ सर्कल इस तरफ हाफ सर्कल इस तरफ, तो ये एक डायरेक्शन में क्यों घूम रहा है, अगर आपने पढ़ा होगा जड़त्व का नियम, तो फिर आपका क्लियर डाउट क्लियर हो जाएगा। जड़त्व के नियम में क्या होता है कि एक बार अगर किसी वस्तु को हमने घुमा दिया एक डायरेक्शन में, तो फिर क्या होगा कि जब तक उसके ऊपर बाहर से बल नहीं लगाओगे वो उस डायरेक्शन में घूमता रहेगा। तो वही चीज यहाँ पे भी है, क्योंकि करंट तो यहाँ निर्माण हो ही रहा है और इस मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ये एक ही दिशा में घूमता रहता है, लेकिन करंट ये अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। अर्धघूर्णन के पश्चात यह घटित होता है और प्रत्यावर्ती विद्युत धारा निर्मित होती है, यही प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र है। हाँ, आगे देखिए, आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थे, आप उसको देख सकते हो, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसको तैयार कर लीजिए। यही प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र अभी है। देखिए, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन दिया आपको, जो कि 2 से 3 नंबर के लिए है, विद्युत जनित्र की आकृति बनाकर नामांकित कीजिए। अगर खाली आपको डायग्राम बनाने के लिए आता है, तो फिर अगर आपको हो सकता है कि डायग्राम बना के दे और उसके बाद आपको नामांकित करने के लिए कहा जाए, आपको बॉक्स दे दिया जाएगा, 3-4 खाली स्थान दिए जाएंगे, फिर आपको उसके अंदर उस पार्ट का, यानी कि विद्युत जनित्र के पार्ट का नाम लिखना होगा। अगर आपको 4 खाली स्थान दिए नाम लिखने के लिए, तो आपको 2 नंबर के लिए आएगा। और अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आ गया कि डायग्राम ड्रॉ करके करिए, तो हो सकता है कि वो 3 मार्क्स के लिए है। और फिर कभी कभी क्या होता है कि सेकेंड क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, बड़े नंबर यानी कि 5 नंबर के लिए आता है लास्ट का क्वेश्चन, विद्युत जनित्र की आकृति बनाकर कर्म करण व सिद्धांत लिखिए, है ना। आपको आकृति बनानी है, आपको उसका सिद्धांत लिखना है कि कौन से सिद्धांत पे काम करता है, कौन से सिद्धांत पे काम करता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम था, आप वो सिद्धांत लिखोगे। फिर कर्म करण यानी तो काम कैसे करता है ना, जब आप पूरा लिखोगे डिटेल में, आकृति बनाओगे, उसके पार्ट्स लिखोगे कि मैग्नेट का क्या काम करता है, चुंबक का क्या काम है, और उसमें जो कुंडली है ABCD, यानी जो कुंडली सर्किट बनाई है उसका क्या काम है, गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, B1 B2 जो ब्रशेस हैं उनका काम क्या है, R1 R2 जो था उसका काम क्या है, और धुरी का काम करता है। तो उन सब चीजों को आपको वहाँ पे शॉर्ट में एक एक लाइन, दो दो लाइन में थोड़ा सा आंसर लिखना पड़ेगा। और फिर कर्म करण यानी कि काम कैसे करता है, सिद्धांत पहले आपको लिखना है, उसके बाद वो कैसे काम करता है, इसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। आगे 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं, आप उसको भी अच्छे से तैयार करिएगा। यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन दिया आपको, विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन किसे कहते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना, जैसे कि कोई अगर गतिशील चुंबक है या गतिशील कोई कुंडली है, सुचालक की कुंडली है, तो क्या होगा कि उसके आसपास अगर कोई तार रखा, सुचालक रखा हुआ है, तो उसमें विद्युत धारा का निर्माण होता है विद्युत चुंबकीय प्रभाव के कारण। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन। ये खाली परिभाषा के रूप में आती है, तो आप इसको एक नंबर के लिए याद कर सकते हो परिभाषा के रूप में। फिर है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, अगर खाली फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, तो आप खाली नियम भी लिख सकते हो, एक नंबर के लिए आता है। और अगर ये कहा गया कि दाएं हाथ का नियम लिख कर ये बताइए कि कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो आप सिंपल से क्या लिखोगे, पहले नियम लिखोगे, उसके बाद लिखोगे कि जनरेटर में यानी विद्युत जनित्र में इसका इस्तेमाल होता है, आप वहां पे सिद्धांत भी लिख सकते हैं, जो कि वही आपका नियम है, सिद्धांत भी होता है। हाँ, तो अभी हमारा यहाँ पे आज का लेसन खत्म हो जाता है। अगर अभी किसी को कुछ डाउट है या फिर इसमें कुछ समझ में नहीं आया, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।
अभी किसी को इसमें कोई डाउट है या फिर कुछ रिवीजन लेना है जिसमें कि जो आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से वो स्टार्ट करके दिखा सकती हूँ। और इसके अलावा इसमें आपको अंतर भी पूछ सकते हैं कि विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर में अंतर क्या है ना? तो आप सिंपल क्या लिखोगे, विद्युत मोटर क्या होता है, वो विद्युत धारा जो होती है यानी कि विद्युत जो ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, और जो विद्युत जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। विद्युत मोटर के अंदर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अप्लीकेबल होता है, उसके सिद्धांत हम लोग फॉलो करते हैं, और विद्युत जनरेटर में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो सिद्धांत होता है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, और किसी को यहाँ पे विद्युत जनित्र में किसी को कोई डाउट है? हाँ मैडम, हुआ क्वेश्चन हाँ सर, आंसर सर करेंगे? हाँ सर चलेगा, हो गया है मेरा लेशन, अभी खत्म हो गया। ओके ओके बेटा, ओके मैडम बेटा। सुदीप सुदीप, अनम्यूट योर माइक, आस्क क्वेश्चन। सुदीप, सभ्या सभ्य माइक चालू करो, क्वेश्चन पूछो बेटा। हेलो टीचर। हाँ बोलिए। टीचर मुझे विद्युत जनित्र थोड़ा समझ में नहीं आया। विद्युत जनरेटर समझ में नहीं आया? हाँ टीचर थोड़ा सा। हाँ, आपने कल विद्युत मोटर के बारे में पढ़ा था? हाँ टीचर। हाँ, तो बेटा जो विद्युत जनित्र है वो ठीक उसका उल्टा होता है। हमने कल में क्या देखा था, हमने कल के लेक्चर में क्या देखा था कि अगर मान लीजिए कि सर्किट के अंदर यानी विद्युत परिपथ में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण से क्या होगा कि एक मैकेनिकल फोर्स यानी यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण होता है। उसमें हम लोग फैन मिक्सर वगैरह हम लोग वहां पे मोटर का इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन जो जनित्र होता है इसमें हाँ उसका उल्टा होता है। उल्टा क्या मतलब, इसमें करंट फ्लो कब होगा, जब यहाँ पे आप उसको यंत्र को अपने हाथ चलाते हो। कि आपने देखा है कभी विद्युत जनरेटर को गांव वगैरह में देखा होगा ना, उसमें पेट्रोल वगैरह यूज करते हैं, पानी डालते हैं ताकि उसमें भाप बनता रहे, है ना? तो जनरेटर को पहले हाथ से चलाना पड़ता है। आपको दिखने में दोनों सेम दिखाई देंगे, मैंने आपको अभी लेक्चर में बताया कि दिखने में अगर आप देखोगे ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको लगेगा दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन दोनों अलग चीजें हैं। क्योंकि अगर आप मोटर में देखते हो तो मोटर में आपको सर्किट के अंदर अमीटर और वोल्ट मीटर और बैटरी ये तीन चीजें दिखाई देंगी, लेकिन जनित्र में आप अगर देखते हो सर्किट में तो आपको वहां पे केवल गैल्वेनोमीटर दिखाई देगा, यानी कि विद्युत धारा का मापन करने के लिए उसमें खाली गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो आपको देख समझ में आना चाहिए। अब ये काम कैसे करता है देखिए, इसमें आप क्या करते हो कि पहले हैंडल से बाहर से उसको घुमाते हो सर्किट को, है ना? पहले अपने आप नहीं घूमता है, उसको घुमाना पड़ता है। जब आप उसको घुमा देते हो तो फिर क्या होगा कि दो साइड में नॉर्थ एंड साउथ पोल मैग्नेट रखा हुआ है ना, एक तरफ मैग्नेट का क्या नॉर्थ साइड है, एक तरफ साउथ पोल है। तो उनके बीच में नॉर्थ टू साइड यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ ऑलरेडी चुंबकीय बल रेखाएं काम कर रही हैं। जब चुंबकीय बल रेखाएं काम कर रही होती हैं और उसके बीच में आपने क्या किया कि वहां पे जो कुंडली थी उसको अपने हाथों से वहां पे आपने पुश किया, आपने हिलाया, तो उसमें बल क्रिएट किया आपने। उसमें क्या किया कि आपने उसको मूवमेंट कर दिया, गतिशील कर दिया तार को। हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था अभी कि अगर मैग्नेट के पास कोई गतिशील तार रखा जाए, है ना, जो हिलता डुलता रहेगा, तो फिर क्या होगा उस तार के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, उसको जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करना शुरू होते हैं, और इस कारण से क्या होता है कि इसमें करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे भी हमको वही काम करना है, क्योंकि हमने उसको मूवमेंट दे दिया हाथ से हिला के, अब मैग्नेट जो है उसमें वो तार घूम रहा है, तो उस कारण से क्या होता है कि इस तार के अंदर जो बीच में सर्किट लगा हुआ है उस कुंडली के अंदर विद्युत धारा का निर्माण होता है। और उसको मापते कैसे हैं, नीचे गैल्वेनोमीटर की सहायता से। जब उसमें सुई का विचलन होता है नॉर्थ टू साइड, तो हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे इस तार के अंदर विद्युत जनरेटर के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। ओके वेलकम। हाँ टीचर, ओके टीचर, थैंक यू टीचर। अगला क्वेश्चन पूछने के लिए लव कुमार,
लव रोज क्वेश्चन पूछता है। हेलो टीचर जी। हाँ बोलिए। ये जो दो कुंडलियां है ना, ये दो कुंडलियां तो इसका कार्य मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। कौन सी दो कुंडली? आपने डायग्राम देखा? हाँ हाँ, उसमें दो कुंडली नहीं है, ऊपर देखिए, ऊपर एक आधी कुंडली लगी हुई है, यानी सर्किट पूरा एक कंप्लीट है, ऊपर ए बी सी डी, एक कुंडली, एक ही कुंतल है उसका। और जो नीचे का तार है, आपने देखा जो नीचे की सर्किट है जिसमें की ग्लैनोमीटर लगा हुआ है, वो उसके अंदर करंट फ्लो होके आता है, यानी कि वो जो अंदर का तार है वो उस मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर है, यानी कि जो चुंबक लगा हुआ है नॉर्थ एंड साउथ उनके बीच में लगा हुआ है, इसको मूव करने पे उसमें करंट फ्लो होगा, पहले उसमें करंट फ्लो होता है। अब वो जो करंट निर्माण हो रहा है वो फ्लो के कहाँ पे आएगा? नीचे की सर्किट में आता है, वो भी मूव करता है साथ में, लेकिन उसको मापेंगे कैसे हम लोग कि करंट फ्लो हो रहा है? ओके जी, सुनिए ना टीचर। हाँ बोलिए। ये जो गैल्वेनोमीटर है तो इधर पे बल्ब भी लगा सकते ना? हाँ बल्ब, उसमें आप लगाओ बल्ब, देखिए उसमें आपको जलेगा तो दिखाई देगा ना कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, आपने टेस्टर देखा था? टेस्टर में क्या होता है, जैसे हम लोग करंट फ्लो दिखता है ना, चमकता है वैसे ही है ना, हम लोग सर्किट जोड़ते हैं, छोटा बल्ब जोड़ते हैं, तो हम लोग जो बल्ब लगाते हैं वो टेस्ट करने के लिए लगाते हैं कि हाँ करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसी किसी में देखिए रेड एंड ग्रीन वो लगा रहता है वहां पर। हाँ, क्योंकि मैंने गांव में देखा था वैसा करके, वो बल्ब लगाया तो जल रहा था। ओके, करंट फ्लो होगा। खुशी से क्वेश्चन पूछो बेटा। खुशी से टीचर, मोशन मतलब? मोशन मतलब गति, गति होता है, गति को मोशन कहते हैं इंग्लिश में, मोशन कहते हैं। लोकेश पटेल, लोकेश पटेल टीचर। हाँ बच्चा। कर्मकरण क्या होता है टीचर? कर्मकरण यानी उसका कार्य करने का तरीका। विद्युत जनित्र में कर्मकरण, कर्मकरण यानी होता है उसका कार्य करने का तरीका। जो हमने लास्ट पार्ट पढ़ा ना कि हम लोगों ने पहले क्या किया, हाथ से कुंडली को हिलाया, उसके बाद क्या होता है कि उसमें वो ए टू बी क्या होता है करंट, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट फ्लो करता है, उसके बाद ए से बी करंट जाता है, फिर बी से सी की तरफ जाता है। तो जो पूरा काम करने का तरीका है उसका, कि कौन सिद्धांत तो कैसे कैसे कार्य कर रहा है, इसी को कर्मकरण कहते हैं। ओके, रिद्धि विश्वकर्मा टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ गुड मॉर्निंग टीचर। वो कार्बन ब्रशेस क्यों लगाए जाते हैं? कार्बन ब्रशेस की सहायता से तो वो पूरे तार जुड़े हुए हैं। आपका ऊपर का सर्किट देखा आपने, कुंडली ए बी सी डी थी है ना, वो कहाँ जुड़ा हुआ है जाके? कार्बन ब्रश के अंदर है ना। तो कार्बन ब्रश जो होता है वो धुरी आपने देखी बीच में क्या था, आपका जो एक सर्किट था सर्कल है ना, छल्ला देखा आपने, मेटालिक छल्ला होता है, बीच में नॉन मेटालिक लगा रहता है, अवरोधक लगा रहता है। तो जो तार है, क्योंकि जब वो तार मूव करेगा तो कार्बन ब्रशेस जो रहते हैं, जो ऊपर मेटल का सर्कल लगा होता है, छल्ला लगा होता है, उसके कारण वो कॉन्टेक्ट में रहता है ना, एक प्रकार से उस छल्ले से कॉन्टेक्ट में रहेगा, तो जाके क्या होगा कि उसमें करंट फ्लो होगा पहले, और जो करंट फ्लो होता है सर्किट में वो कहाँ तक आता है? कार्बन ब्रशेस में आता है। फिर वो करंट कहाँ पे जाता है? उस छल्ले के अंदर जाता है। फिर उस छल्ले के माध्यम से जो करंट है वो नीचे के पार्ट में, नीचे के तार में आता है। ओके, खुशी कौर पूछो। खुशी कौर मिस, जो आपने अभी दो क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए थे ना, उसमें मेरे को नहीं समझ आया। कौन सा? क्या नहीं समझा वो पूछो बेटा, क्या नहीं समझा? जो बाएं हाथ में उसका जो बताना था, वो बाएं हाथ का नियम। हाँ, बाएं हाथ का नियम या फिर दाएं हाथ का नियम, दो में से कौन समझना है आपको, या दोनों ही समझना है आपको? दोनों ही नहीं आया, दोनों ही नहीं आया। देखिए बाएं हाथ का नियम तो आपको अगर बाया और दाया मालूम है आपको, बाया हाथ कौन सा होता है, दाया हाथ कौन सा होता है, तो सिंपल क्या करना है कि आपको अपना जो ये तीन फिंगर है ना, थंब और ये मैं अपना ये दोनों तर्जनी और मध्यमा, दोनों आपको तीन फिंगर्स लेने, इनको ना आपको 90 एंगल पर रखना है ना। आप सिंपल एक तरीका इस्तेमाल करिए याद करने के लिए, एक पेन लीजिए, अपने फिंगर्स को ऐसे 90 एंगल पे रखिए, यानी कि ये 90 एंगल पे, 90 एंगल पे, फिर आप उसके ऊपर लिख लीजिए ऐसे है ना, ये करंट फ्लो हो रहा है ना, ये आपको जो इंग्लिश किसके लिए है, करंट के लिए है, और इसके चारों तरफ ये क्या हो रहा है अभी, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। अगर आप इसको सीधा रखोगे तो भी चलेगा, अगर आप इस प्रकार रखते हो तो आपका करंट का डायरेक्शन हो गया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो गया, आपका तार हो गया है ना, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। आप यहाँ पे लिख लीजिए सिंपल, आप उंगली पे लिखिए, आपको याद होगा अच्छे से। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि ये विद्युत धारा की दिशा है ऊपर की तरफ,
और ये क्या है, इसके चारों तरफ क्या निर्माण हो रहा है अभी, चुंबकीय क्षेत्र, है ना, चारों तरफ। मान लीजिए आप इमेजिन करिए कि यहाँ पे चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो रहा है और इसके ऊपर यानी इन दोनों के ही परपेंडिकुलर 90 एंगल पे इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से डायरेक्शन होना चाहिए, है ना। जो चुंबकीय बल रेखा है इसके ऊपर बल कार्य करती है और इस कार्य जो तार होता है, इस तार के अंदर मूवमेंट होता है ना, और इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो एक तो आपका, आपको जो मैंने कहा ये बाएं हाथ का नियम, ये किसके लिए हो गया, करंट जब फ्लो हो रहा है यानी कि मोटर के लिए हो गया। अब इसी को मैं इस प्रकार पकड़ती हूँ यहाँ पे दाएं हाथ में, है ना, दाएं हाथ में पकड़ लिया। देखने में दोनों बहुत सेम दिखते हैं लेकिन दोनों का काम अलग अलग है, है ना। अब ये हो गया आपका दाएं हाथ का नियम। इसमें क्या है कि अगर सुचालक है यहाँ पर, एक तार है, इसमें पहले करंट फ्लो नहीं हो रहा है, एक तार है यहाँ पर, इसकी जब यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फोर्स डाला यानी कि चुंबक का कोई प्रभाव, यहाँ पे कोई मैग्नेट है उसका बल इसको ढकेल रहा है ना, इसको जब ढकेलता है तब जाके इस तार के अंदर चारों तरफ क्या होता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट काम करता है और तब इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है ना। और ये हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, ये जनरेटर में। और जो मैंने इसकी बात की थी यानी बाएं हाथ के नियम की बात की थी, ये मोटर में काम करता है, और अगर मैं दाएं हाथ के नियम की बात करूं तो जनरेटर में काम करता है। समझ में आया? तो आप अपने दोनों हाथों में इस प्रकार से लिख के आप उसको याद कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीका है याद करने का ये। आगे चलो, भूमि सुरेश प्रजापति, माइक चालू करो। हाँ ठीक, बोलो बेटा, बोलो। टीचर रुको, क्या हुआ पूछो। चलो अभी प्रीति यादव वेरावली, लास्ट क्वेश्चन। प्रीति यादव वेरावली, मिस विद्युत, मिस हाँ बोलिए, विद्युत जनित्र का डायग्राम का एक्सप्लेन कर दो ना। डायग्राम एक्सप्लेन करना है आपको? हाँ मिस। ओके, जनित्र का ना? हाँ मिस। टेक्स्ट बुक है आपके पास? क्योंकि मुझे फिर से वीडियो ओपन करना पड़ेगा। आपको वीडियो देखना है या तो फिर मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दूँ? मिस एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन कर दे, देखिए आपको दोनों साइड क्या करना है। पहले आप डायग्राम देखते हो टेक्स्ट बुक में, आपको दिया है मैग्नेट, है ना, नॉर्थ एंड साउथ पोल दिया हुआ है। ओके, नॉर्थ एंड साउथ पोल में जो मैग्नेट है, उन मैग्नेट का काम क्या होता है कि वो एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जहाँ पे कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ में मूव कर रही हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है कि हमने बीच में रखा हुआ है अपना एक तार, तार की कुंडली रखी हुई है, एबीसीडी नाम दिया उसको, हाँ, है ना। उसके बाद उसको जोड़ा किससे हमने, B1 B2 ब्रश से जोड़ा हुआ है, डायग्राम देखते रहिए। हाँ मिस। B1 B2 से जोड़ा हुआ है और दोनों के छल्ले अलग अलग है, R1 और R2, है ना। उसके बीच में आपको एक लोहे की धुरी दिखाई दे रही, धुरी यानी कि आपको एक रॉड दिखाई दे रहा है जिसके चारों तरफ वो दोनों छल्ले लगे हुए हैं। ओके, फिर उनसे जुड़ा हुआ आपको क्या दिखाई दे रहा है, नीचे एक सर्किट अलग से आया है जिसमें कि लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, है ना। ये हमने गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया हुआ है, ताकि हमको मालूम पड़ सके कि इस मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, चुंबकीय प्रभाव के कारण कुंडली ABCD में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, है ना। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब तक हम लोग उस तार को हिलाएंगे नहीं, यानी कि जो कुंडली ABCD उसको जगह से हिलाएंगे नहीं, तब तक उसमें चुंबकत्व नहीं होगा। पड़ता है पहले घुमाना पड़ता है, जब बाहर से उसको घुमाते हो, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं उसको आप डिस्टर्ब करते हो। डिस्टर्ब करने का मतलब कि पहले वो पैरेलल घूम रही हैं ऐसे, या नॉर्थ से साउथ, आपने क्या किया उसमें अपना तार डाल के उसको घुमा दिया, सर्किट डाल के घुमा दिया। अब क्या होगा उसके कारण कि इसके ऊपर बल क्रिएट होगा, यानी कि जो आपका सर्किट है ABCD इसके ऊपर एक लंबवत बल क्रिएट होता है ना, दबाव निर्माण होता है। उसके कारण से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सुचालक में वो एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं, है ना, तब जाके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है।